22 दिसंबर आपका सीपीओ टायर टू का एग्जाम डेट है। अगर मैं आज के दिन से काउंट करूँ, आज है आपका 17 अक्टूबर, तो 13 दिन ये बचे हैं, और आपका 30 पूरे नवंबर, 13 में 30 जोड़ोगे 43, और वो आपको 22 दिन, 43 और 2 तुम्हारा हो गया 45, 55, 10, 65, यानी सब मिला के आपके पास टोटल 65 डेज हैं आज के डेट से लेकर टी एट टू तक का, ठीक है। तो देखो अब इस 65 दिन के अंदर आपको क्या करना है, टीयर वन का इनको रिजल्ट देना है, उसके बाद टीयर वन का रियल देने का इनको टीयर वन का ही फिजिकल करवाना, जितने भी लोग टीयर वन में क्वालिफाई करेंगे उनका क्या करना है, फिजिकल करवाना है। लगभग 20 गुना के आसपास, 15-20 गुना के आसपास अभ्यर्थी ये लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 20 गुना ले लें। तो उसके बाद टीयर टू का इन्हें फिजिकल करवाने हैं, टीयर टू का फिजिकल करवाने के बाद उसका रिजल्ट दे के इनको क्या करना है, तो इन सारे प्रोसेस को इनको 65 दिन के अंदर ही करनी है, तो टाइम इनके पास बहुत ही कम है। तो मैं सीधा सीधा बात करूंगा आपको फिजिकल को लेके, मतलब कि फिजिकल की आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपका टीयर वन का रिजल्ट आपको एंड ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर इस टाइम ये रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर इनका फिजिकल उसी टाइम पीरियड में होना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और डेट इन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया है तो फिजिकल में कोई भी देरी नहीं करने वाले हैं। आप पिछली बार देखे हो 2022 वाली जो सीपीयू हुआ था, उसमें बच्चों को 4 से 5 दिन का ही टाइम मिला था, और मोस्टली बच्चे फिजिकल देने ही नहीं गए, या फिर जो गए वो फेल हो गए। तो बस मेरे कहने का ये मतलब है कि भैया फिजिकल के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, इस बार भी आपको ऐसे ही उथल पुथल हबड़ सबड़ देखने को मिलेगी। तो इन चीजों से बचने के लिए जिनको लगता है कि मेरा टीयर वन में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, या फिर जिनके नंबर भी 120 प्लस हैं, वो तो निश्चित रूप से टीयर टू में जाने वाले हैं, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो, अगर उनका फिजिकल के लिए तो टीयर टू देंगे ही देंगे। तो मैं जितने भी 120 प्लस वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। वो फिजिकल की तैयारी कैसे करें, अभी वो जैसे भी उल्टा पुल्टा जैसे भी कर रहे होंगे कर रहे हैं। देखो मेरा क्या अनुभव है, मैंने SSCGD का 5 किलोमीटर का रनिंग मैंने 24 मिनट में 23.5 मिनट में निकाला, तो SSCGD का जो फिजिकल है वो निकालने का अनुभव है। एक बार मैंने ITBP का फिजिकल निकाला था जो 1600 मीटर का था, और वो 7 मिनट का था, यहाँ पे आपको 6.5 मिनट में निकालना है, और GD का 24 मिनट पर होता है 5 किलोमीटर। तो ये सारी मतलब और भी कई सारे मैंने निकाल, मतलब जो भी एक दो दो तीन रेस मैंने अभी तक निकाला है अपने जीवन में, उसका जो भी अनुभव है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ कि मैं कैसे तैयारी करता था। और मैं ये इस बात को पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो ना, तो आप जरूर से जरूर क्या करोगे, एग्जाम में अपना फिजिकल आराम से क्लियर कर लोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो आपको पता है कि इसकी जो रनिंग है वो 1600 मीटर है 6.5 मिनट में। देखो इसका फिजिकल कहने के लिए बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप अच्छे से जोर इस पर लगाओगे तो आराम से इसका फिजिकल निकाले जाओगे। आप सोचोगे कि मैं अधिक से अधिक रेस मार लूँ और जल्दी जल्दी अपने आप को टाइमिंग के अंदर ले आऊँ, हो सकता हो कि आप एक बार ले आओ भी टाइमिंग में, बट उससे क्या होगा ना, आपके पैर में सीन पेन आएगा, पैर में दर्द होगा, क्योंकि अचानक से आप अपने पैर को इतना ज़्यादा जोर दे रहे हो ना, वो आपको बैड इफेक्ट करेगा आपको पैर को और आपकी बॉडी को। अभी देखो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखो कोई डेट अनाउंस नहीं हुई कि फिजिकल इस दिन से है, जब तक भी आपके पास टाइम है 10 दिन 15 दिन 20 दिन 22 दिन 25 दिन जो भी टाइम है, उसमें आप क्या करो, बस शॉर्ट लॉन्ग रनिंग करो, मतलब छोटे छोटे स्टेप लगाओ, लॉन्ग रनिंग करो, ठीक है। मैराथन आपको दौड़ना है, मतलब आपको 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना भी आपसे बन पड़ता है, अभी पहले दिन जाओ तो 1 किलोमीटर मारो, अगले दिन जाओ तो 1200-1300 मीटर मारो, 200-200 मीटर ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाओ, कम से कम 4 किलोमीटर की हाइट बना लो, 4 से 5 किलोमीटर की। आपको डेली 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करनी ही है एट एनी हाउ। ये आपको सबसे पहले अपने अंदर ये वाली स्टेमिना बूस्ट करनी है कि आप 4 से 5 किलोमीटर स्मूथली आप रनिंग कर सकते हो, आपके अंदर इतना स्टेमिना जरूर बिल्डअप होना चाहिए कि आप 4 से 5 किलोमीटर रनिंग आराम से कर सकते हो। ये आपको कंटिन्यू करते ही रहना है। आप चाहो तो अगर आप 5 दिन या 4 दिन अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, मैराथन दौड़ रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, एक दिन आप 1600 मीटर की रेस मार सकते हो, आप देखना आपकी टाइमिंग आ जाएगी, अच्छी आ जाएगी, हो सकता हो 7 मिनट आए मटन, मगर अगर आप कंटिन्यू करोगे ना तो आपको 6.5 या 6 भी आ जाएगा। बस आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं, पहले आपको लॉन्ग रनिंग पर फोकस करनी है, जब वो अच्छे तरीके से आपकी कवर हो जाए, आप एक जोन में आ जाओ कि हाँ भाई इतना आप आराम से कर ले रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फिर आप क्या करना, छोटे छोटे रनिंग मारना शुरू कर देना, 1600 मीटर के, 1000 मीटर के स्प्रिंट मारना शुरू कर देना, 1600 मीटर की आप टाइमिंग लगा के मारना शुरू कर देना। बट अभी आपके पास उतना वो आपके पास इनफ टाइम है कि आप लॉन्ग रनिंग पे फोकस कर लो, क्योंकि लॉन्ग रनिंग जब आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा तो 1600 मीटर आप रनिंग आप करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, तो फिर आप 1600 मीटर मारोगे आराम से आपकी टाइमिंग के अंदर आ जाएगी। और मैं यही फॉलो करता था और मैं इसी के बलबूते पे ही अपनी रनिंग मैंने निकाला था।
जो भी जीडी का रेंज निकाला, आईटीबीपी का जो भी इतना भी रेंज निकाला है, मैं ये स्टेप फॉलो करता हूँ। अब किसी भी जो फिजिकल जो ट्रेनर होंगे, आप उनसे भी जाके बात करोगे ना, वो भी आपको यही चीज़ बिल्कुल यही एडवाइस देंगे आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप लॉन्ग रनिंग पे फोकस करो अच्छे से, वो जब आपका कवर हो जाए अच्छे से, खूब सारा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप जो आपकी रनिंग टाइमिंग है वो लगाओ, उसको लगा के प्रैक्टिस करो 1600 मीटर आपका, देखना आराम से टाइमिंग आ जाएगा। हो सकता है एक दो बार ना आए, पर आप लगातार अगर मेहनत करोगे, अच्छी डाइट लोगे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, डाइट आपको अच्छा लेना ही लेना है, ठीक है। अच्छे से आप डाइट क्या कर सकते हो, डाइट के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हो, मैं बताऊंगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे। आप एक बार डाइट का क्या डाइट लेना चाहिए रनिंग के टाइम, वो आप फिजिकल ट्रेनर वगैरह बता सकते हो, उसको जाकर आप यूट्यूब पर सर्च मार के कर सकते हो। बट मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जो बता रहा हूँ वही करोगे ना तो आपकी रनिंग आराम से निकल जाएगा।